हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम आगे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका जो है एडमिन के बाद स्क्रीन खुलेगा। तो फॉर एग्जांपल, एट एनी टाइम आपको कहीं पे भी ऐसा हो जाए कि कहीं पे कोई गलत क्लिक हो गया, रॉन्ग क्लिक, फॉर एग्जांपल आप कहीं और में चले गए, तो आपको याद रखना है अपने मॉडलिंग में रहना है और मॉडलिंग से ज्योमेट्री और ज्योमेट्री से बीम। तो उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इसमें कर्सर के टाइप्स हैं। तो आपके पास एक नोड कर्सर भी होता है, आपको याद होगा कि बीम्स के जो एंड्स होते हैं जिन्हें हम नोड्स भी कहते हैं, तो ये नोड्स ही हैं जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस कर्सर से। जो सेकंड कर्सर हमारे पास है वो बीम कर्सर है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि बीम के लिए। अब ये भी याद रखें कि स्टैट प्रो में कॉलम को भी बीम ही समझा जाता है, इट इज अ काइंड ऑफ वर्टिकल बीम। तो इसमें एक्शन लोडिंग होगी, जैसे कि आप कॉलम्स के मतलब जानते हैं। तो फिर आपके पास प्लेट कर्सर रहता है, फिर सरफेस कर्सर, बाकी सब ऐसे ही है तकरीबन। और ये आपके पास नोड के लिए आपके पास जो है यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बीम है, तो वो फॉर एग्जाम्पल 7.5 मीटर है, और आपके पास जो ग्रिड यहाँ पर अवेलेबल है, आप कोई भी यहाँ पे ड्रॉ जो करोगे वो आप पहले यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ से जिस पॉइंट से भी आप, जरूरी नहीं है कि आप नीचे से क्लिक करो, जरूरी नहीं है, कहीं पे भी आप स्पेस में क्लिक कर सकते हैं लाइक यहाँ से, बट ओनली जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ग्रिड लाइंस का। तो आप फॉर एग्जाम्पल आपको 10 मीटर बीम है, तो आप 10 मीटर तक बराबर क्लिक करके बीम बना सकते। लेकिन हमें फॉर एग्जाम्पल एक बीम चाहिए 7.5 मीटर या 8.5 मीटर जिसमें फ्रैक्शंस हो, तो उसके लिए आपको एडिट में जाना पड़ेगा, फिर आपको अपना ग्रिड चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमको वर्टिकल लोडिंग हमारे पास अवेलेबल है और जो बीम है वो एक्स डायरेक्शन में है, यानी परपेंडिकुलर टू वाई डायरेक्शन और पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन। तो हमारे पास जो ऑप्शन है हमारे पास वो लीनियर में आपको जाना पड़ेगा, पहले लीनियर में जाके जो है हमारे पास प्लेन कौन सा है आप चेंज कर सकते हैं प्लेन को, मीन्स आपको एक्स वाई प्लेन में लीनियर करना, एक्स जेड प्लेन में रखना है, जिसमें कि नॉर्मली साइड प्लेन आपका होता भी है एक्स जेड प्लेन, और तीसरा वाई जेड प्लेन। तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ प्लेन भी दिया गया है, और जो है आप ओरिजिन को भी एट टाइम्स मूव कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल हमें एक्स एक्सिस पे 3 पे चाहिए अपना ओरिजिन, तो आपको 3 पे मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पे ओरिजिन आ रहा है। तो इसकी आप चिंता ना करें कि जो यहाँ पर ये है ये, इसको आप नोड कर सकें, क्योंकि ये नोड है तो नोड से ही सिलेक्ट होगा, नोड को बीम से और बीम को नोड से कर्सर्स के साथ सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब हम एडिट में जा रहे हैं, फिर से हम यहाँ पे फिर से 0 करते हैं एज डिफॉल्ट, और आप ग्रिड को चेंज भी कर सकते हैं अगर आपका बीम या स्ट्रक्चर एलिमेंट, कोई भी स्ट्रक्चर एलिमेंट आपका अगर फ्रैक्शन में आता, जैसा भी फ्रैक्शन में हो, जरूरी नहीं है कि 0.5 आप ले से, और आप ये जो ग्रिड है ये कहीं पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आपने ड्रॉ कर दिया एक बार, आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने 3.5 बीम बना दिया, अब फॉर एग्जाम्पल आपको जो नोड चाहिए वो फॉर एग्जाम्पल अब फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है आपको फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे फिर से ग्रिड को चेंज कर सकते हैं, आप 1 मीटर यहाँ पे कर दें, 1 मीटर यहाँ पे कर दें, हो गया। तो ये नोड आपका बीच में आ गया, आप अब फिर से जो है यहाँ पे, क्योंकि 0.5 है तो हम लोग फिर से जो है वो एक्सिस को 0.5 में रख देते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो हेल्पफुल है, तो हम 8 तक चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास सिर्फ नोड्स, देखिए आप नोड कर्सर से कोई भी बीम सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अब हम बीम कर्सर लेते हैं तो सिर्फ बीम सेलेक्ट होंगी, प्लेट कर्सर लेते हैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये सरफेस कर्सर है, आप इसकी यूजेज जो है हम आगे देखेंगे। और आपको अगर कोई भी बीम या कोई भी एलिमेंट मेजर करना है तो आप ये जो है इस्तेमाल कर सकते हैं,
नो टू नो डिस्टेंस के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपको अगर आप ये चाहिए नहीं तो ये याद रखिए, ये वाला ऑप्शन था। तो रिमूव ऑल नोड टू नो डिस्टेंस डिस्प्ले।